हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक और टॉप क्वालिटी वॉच की अनबॉक्सिंग लेके मैं वापस आ गया हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ HK8 Pro Max के छोटे भाई HK9 Pro की, जिसमें आपको HK8 Pro Max की तरह ही AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ करेंगे अपने चैनल पे, और वीडियो के एंड में आपके लिए हर बार की तरह एक स्पेशल ऑफर भी रहेगा। तो वीडियो को स्किप करने का तो सोचना भी मत, वरना कोई ना कोई डिटेल तो मिस कर दोगे। पहले अगर बॉक्स की बात कर लें तो आप देख ही सकते हैं कि HK8 Pro Max जैसा ही सेम आपको बॉक्स इसका भी मिल रहा है, क्योंकि HK सीरीज की वॉच ही है ये भी। एंड सामने आपको HK9 Pro रिटर्न मिल जाएगा, नीचे आपको मल्टी फंक्शनल स्मार्ट वॉच रिटर्न मिल जाएगा, एंड साइड्स पे एक साइड आपको वेयरफिट प्रो इसके ऐप की प्रिंटिंग मिल जाएगी, एंड दूसरी साइड वॉच का नाम ही नीचे 45 mm जो कि इसके डायल का साइज है। एंड बैक साइड पे यहाँ पे आपको वही सब कुछ QR कोड मिल जाएगा इसके ऐप का, एंड बाकी एंड्रॉइड एंड iOS की प्रिंटिंग मिल जाएगी। काफी बेसिक एंड सिंपल सी आपको पैकेजिंग मिल रही है, बट अंदर जो वॉच है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं रहने वाली। इसके बॉक्स में सबसे ऊपर आपको इसकी मैनुअल मिल जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पेयरिंग में या और किसी चीज में कोई फीचर रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, आप इसमें चेक कर सकते हो। इसके नीचे आपको इसके स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, जो कि एक न्यू टेक्सचर डिजाइन आपको आ रहा है। ये वाला टेक्सचर अभी तक किसी भी मॉडल में आया नहीं आपको इनबॉक्स, एंड काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी के स्ट्रैप्स आपको इसके साथ आ रहे हैं। मतलब काफी कंफर्टेबल रहेंगे वेयर करने में। गर्मियों में जैसे अभी आपको वेयर करना है तो बिल्कुल पसीने का या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनकंफर्टेबल फील नहीं होंगे हाथ में। काफी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स हैं। मैंने जो ओरिजिनल वेयर किए हैं उसके सेम क्वालिटी के ही मुझे ये भी स्ट्रैप्स लग रहे हैं। इसके बाद आपको इसका वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, जो कि सी टाइप केबल के साथ आएगा, जैसे कि अब एप्पल आपको दे रहा है अपने सभी न्यू मॉडल्स में। अल्ट्रा एंड सीरीज 8 के भी जितने भी न्यू पीसेज आ रहे हैं, सब में आपको सी टाइप केबल आ रही है। तो इसके साथ भी आपको डब्बे में उसी की तरह सी टाइप केबल मिलने वाली है। वायरलेस चार्जर की केबल की क्वालिटी भी आपको काफी डिसेंट मिल जाती है। एंड फाइनली हमें हमारी वॉच मिल जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको 9 रिटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि ये वॉच HK9 Pro है। ऊपर वाला कवर रिमूव करके आप देख ही सकते हैं कि डिजाइन एंड फिनिश में तो ये एकदम सीरीज 8 जो ओरिजिनल है उसी को कंपटीशन देती है। बिल्कुल सेम ओरिजिनल जैसे ही आपको डिजाइन एंड फिनिश दोनों चीजें मिलने वाली हैं। स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहीं से आपको कर्व डिस्प्ले इसके दिख रही होगी, जो कि ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले वॉच का डिजाइन चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड पे यहाँ पे आपको इसका क्राउन बटन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको रिंग मिलती है, जो कि सेलुलर मॉडल्स पे आती है। एंड इसके सेंटर में यहाँ पे आपको इसका माइक्रोफोन मिल जाएगा, एंड उसके नीचे आपको इसका पावर बटन भी मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको सेम ओरिजिनल जैसे ही सेंसर्स का डिजाइन मिल जाएगा, एंड ऊपर आसपास इसके चारों तरफ आपको सीरीज 8 की प्रिंटिंग मिल जाएगी, जैसे कि आपको ओरिजिनल में आती है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे आपको इसके स्पीकर के ग्रिल्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे ऊपर और नीचे आपके स्ट्रैप्स अटैच हो जाएंगे, और बैक पे आपको स्ट्रैप लॉक भी मिलता है, तो आपके स्ट्रैप्स आराम से ओरिजिनल की तरह ही इसमें लॉक हो जाएंगे। स्ट्रैप्स अटैच करने के बाद तो बिल्कुल ही आप बता ही नहीं पाओगे कि आपके हाथ में कोई क्लोन मॉडल है या फिर ओरिजिनल है। इतनी अच्छी आपको फिनिश मिल रही है वॉच की, सेम ओरिजिनल जैसे ही आपको फील आने भी वाली है इसे यूज करने में, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी की वॉच रहने वाली है। तो इसका क्राउन बटन लॉन्ग प्रेस करके आप इसे ऑन कर सकते हो, एंड ऑन ऑफ पे आपको हेलो रिटर्न मिल जाएगा, जैसे कि आपको HK सीरीज के सभी मॉडल्स में दिखता है। HK 8 Pro Max में भी सेम ही आपको ऐसे ही हेलो रिटर्न मिलता है, नीचे ऐप की इसकी प्रिंटिंग। एंड सबसे पहले तो आप इसकी स्क्रीन नोटिस करोगे तो आप देख ही सकते हो कि आपको बिल्कुल एज टू एज इसकी डिस्प्ले आ रही है। आप देख सकते हो किसी साइड से कोई भी बेजल 1% भी नहीं है, बिल्कुल सीरीज 8 ओरिजिनल की तरह ही आपको एकदम एच टू एच डिस्प्ले इसकी आ रही है। एंड इसकी डिस्प्ले भी आपको एमोलेड आती है, एंड आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो कंपास भी आपको वर्किंग मिल रही है। मैं आपके लिए ब्राइटनेस थोड़ी लो कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन अच्छे से देख पाओ। तो ये अभी मिनिमम ब्राइटनेस पे है, फिर भी आप देख सकते हो कि स्क्रीन इसकी कितनी ब्राइट है, एंड कंपास अब आप अच्छे से देख सकते हो। ये आप देख सकते हो जैसे ही मैं वॉच को घुमा रहा हूँ, इसका कंपास का डायल भी घूम रहा है, मतलब कंपास आपकी वर्क कर रही है। और इसके बाद आपको इसके वॉच फेसेस पहले तो दिखा देता हूँ। पहले आप दोबारा एक बार स्क्रीन देख लो, आपको एकदम एमोलेड फिनिश में स्क्रीन मिलने वाली है। एमोलेड पैनल आपको मिल रहा है काफी अच्छी क्वालिटी का। अब इसके वॉच फेसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही वॉच फेस है, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। आप डार्क मोड भी इसका ये यूज कर सकते हो, जैसे कि हमें ओरिजिनल में भी आता है। उसके बाद सेकंड वॉच फेस ये अल्ट्रा का आपको मिल जाएगा, ये भी आप चेंज कर सकते हो, भी काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइव वॉच फेस मिल जाएगा, जिसके साथ आप आराम से बैठ के खेल भी सकते हो। ये देख सकते हो टच इसकी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल आपको 1% भी लैग नहीं आ रहा। और उसके बाद यहाँ पे इस वॉच फेस में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी होम स्क्रीन पे ही। आप यहाँ पे अपना वेदर भी चेक कर सकते हो, जो कि अभी आपको शो नहीं कर रहा, आपके फोन से सिंक होगी आपको शो करने लग जाएगा। नीचे आपको म्यूजिक के एंड बाकी डायलर वगैरह के भी कंट्रोल्स यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये थोड़ा डार्क एक वॉच फेस मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा स्क्रीन खत्म हो भी रही है कि नहीं, बिल्कुल सब तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है एकदम। और उसके बाद ये आपको एक व्हाइट वॉच फेस मिल जाएगा, जो कि सीरीज 7 के साथ आता था, बट अभी तक चल रहा है काफी। ये भी फेमस एक वॉच फेस है, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो आपको ये भी मिल रहा है। बेजल्स जैसे पुराने मॉडल्स में आते थे बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको HK सीरीज में वॉच फेस आता है, ये भी काफी अच्छा है। एंड इसके बाद लास्ट पे आपको ये वॉच फेस एक मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छी लुक देता है आपकी वॉच को। एंड आपको कस्टम वॉच फेस का सपोर्ट भी आता है, मतलब आप अपनी मर्जी के जितने चाहे उतने वॉच फेसेस इसमें बाद में इंस्टॉल भी कर सकते हो। आपको इसके ऐप में काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड टाइम टू टाइम वो अपडेट भी होते रहते हैं, तो आपको न्यू और वॉच फेसेस जो भी एप्पल रिलीज करता है आपको वो मिल जाएंगे। इसके बाद आप इसे डाउन स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन पैनल दिख जाएगा, जहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो जाएंगे आपको।
जो कि अभी नहीं है क्योंकि हमने अपने फोन से इसे अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। अब स्वाइप करोगे तो आपको इसका कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा जिसमें कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये मेरे हाथ में अभी एक ओरिजिनल सीरीज ऐसी है एंड मुझे तो इनफैक्ट पैनल इसका ज्यादा बेटर लग रहा है अपनी ओरिजिनल वॉच से भी। आप देख सकते हो स्क्रीन क्वालिटी, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो आपको किसमें बेटर मिल रही है। आप इसे अप स्वाइप करोगे तो ये कुछ इसके कंट्रोल सेंटर का ओवरव्यू है एंड आप देख सकते हो सेम वैसा ही आपको ओवरव्यू इसमें भी मिलने वाला है। वैसा ही आपको लेआउट कंप्लीट मिल रहा है, ऊपर आपको मैसेजेस का भी सेम वैसा ही मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम वैसा ही आपको लेआउट मिल रहा है। छोटे छोटे एनिमेशन एंड यूआई सेम ओरिजिनल जैसा है। मैं आपको वीडियो में आगे बाकी फीचर्स भी दिखाऊंगा जो आपको सेम ओरिजिनल जैसे ही मिल रहे हैं। आप इसे राइट स्वाइप यहाँ पे करोगे तो आपको रीसेंट एप्स मिल जाएंगे एंड टाइम एंड बाकी कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी एंड इस साइड स्वाइप करके आपको हार्ट रेट की सेटिंग, उसके बाद आपको ये वीडियो शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डर मिल जाएगा एंड ये आपको यहाँ पे ये ब्रीथ का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अब हम इसका मेन्यू देख लेते हैं तो मेन्यू भी साइड बाय साइड हम कंपेयर कर लेंगे। तो मेन्यू आप ये आइकन पैक पहले तो चेक कर सकते हो, आपको सेम ओरिजिनल जैसा ही आइकन पैक आ रहा है, लेआउट भी वैसे ही है। ये देख लो सेंटर में आपकी क्लॉक, ऊपर ब्रीद, इधर आपको स्पोर्ट्स मोड, ऊपर डायलर, शॉर्टकट, सब कुछ वैसे ही। आपको सीरी भी मिल रही है, इसमें गेम्स भी मिल रही हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का आइकन कंपेयर कर सकते हो, सेम वैसा ही आपको मिल रहा है। नीचे आप सेटिंग्स का भी कर सकते हो, सेम वैसा ही आपको आइकन पैक मिल रहा है। आपको बेड टाइम का यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स का कर सकते हो, मोशन का कर सकते हो, फोकस का कर सकते हो। आपको काफी सारे आइकन पैक सेम वैसे ओरिजिनल की तरह ही मिल रहे हैं। इवन मैं आपको कैलकुलेटर का लेआउट भी दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो दोनों में इवन आपको कैलकुलेटर का लेआउट भी एकदम सेम मिल रहा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं है। तो ये आपको काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्स मिल रही हैं, आप खुद ही देख सकते हो साइड बाय साइड कंपेयर करके। आपको सेम ओरिजिनल जैसा ही इसका टच रिस्पांस भी मिल रहा है, आप देख सकते हो कितनी स्मूथ है डिस्प्ले इसकी, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही आपको टच रिस्पांस मिल रहा है। तो ये तो इसका हनीकॉम वाला मेन्यू स्टाइल है जैसे कि आपको ओरिजिनल भी मिलता है। अगर आपको इसका मेन्यू स्टाइल चेंज करना है तो बस आप क्राउन बटन को डबल प्रेस कर सकते हो और ये आप इसका मेन्यू स्टाइल चेंज कर लोगे। इसमें हम इसके सारे फीचर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो टॉप से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर आपको हार्ट रेट की सेटिंग्स मिल रही हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स, स्लीप प्रेशर, उसके बाद एक्टिविटी रिकॉर्ड, फ़ोन कॉल, वॉइस असिस्टेंट भी आपको इसमें मिल रहा है। आप फोन कॉल इसमें डायलर का लेआउट भी देखोगे तो आपको सेम ओरिजिनल जैसा ही डायलर का लेआउट भी मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट मिल रहा है, म्यूजिक कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, वेदर आप सिंक करके यूज कर सकते हो, आपको वेदर इसमें शो कर देगा, अलार्म के आपको सेटिंग्स मिल रहे हैं। ब्रीद मैंने आपको बताया था, ब्रीद में मतलब ऐसे होता है कि आपको ओरिजिनल में ये फीचर मिलता है कि आपकी वॉच हर थोड़े टाइम में आपको एक प्रॉम्प्ट देगी कि आपको एक लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रेथ लेनी है, जो कि ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये भी एक काफी काम का फीचर है, जो कुछ थोड़े एजेड लोग हैं वो इसे यूज कर सकते हैं, काफी काम आएगा उनके। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसका टाइमर मिल जाता है, स्टॉप वॉच भी मिलती है, कैलकुलेटर मिल जाता है, उसके बाद रिमोट कंट्रोल मिल रहा है आपको, उसके बाद कंपास आपको मिल रही वर्किंग, जो इसमें और किसी मॉडल में वर्किंग नहीं आती, सिर्फ एचके सीरीज के ये जो दो मॉडल है एचके 8 प्रो मैक्स एंड एचके 9 प्रो इसमें ही आपको वर्किंग आएगा। उसके बाद आपको कैमरा के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, फाइंड माय आईफोन की सेटिंग्स मिल रही है, मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, अली पे सेटिंग्स का भी इसका आपको लेआउट दिखाऊंगा। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी मोड, ब्लड शुगर लेवल एंड नीचे लास्ट में आपको गेम भी मिल रही है इसमें। तो अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो आराम से इसमें बैठ के गेम भी खेल सकते हो। तो ये गेम में भी आप देख सकते हो कि टच रिस्पांस आपको काफी अच्छा मिलता है और आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हो, कोई 1% भी आपको लैग नहीं मिलेगा इवन गेम में भी। अगर हम दोबारा डबल प्रेस करें तो ये इसका थर्ड मेन्यू स्टाइल है, जो थोड़ा आपको अलग सा मिलता है, इसमें आपके आइकन भी चेंज हो जाएंगे, थोड़ा डार्क सा आपको ये मिल रहा है। तो अगर आप वही नॉर्मल एप्पल के आइकन से बोर हो गए हो तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। एंड दोबारा हम इसे प्रेस करें तो ये कुछ सैमसंग की वॉचेस से इंस्पायर्ड आपको ये मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, एक सेंटर ऐप के अराउंड बाकी एप्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी काफी एक अच्छा वॉच फेस है। इसके बाद अब हम इसकी सेटिंग्स का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। तो आपको सबसे ऊपर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मिल रहा है, जो कि आप अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिस में इसकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिल जाएंगी, जो कि आप अपने हिसाब से अगेन सेट कर सकते हो। यूनिवर्सल में आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अबाउट दिस मशीन में आपको इसकी वॉच की इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, एचके 9 प्रो ये मॉडल है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेटिंग्स में आप अपनी लैंग्वेज ऑब्वियसली सेट कर सकते हो। कनेक्टिव फोन में यहाँ पे आपको अपने फोन से कनेक्ट करने की आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, इसे अप स्वाइप करके यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा, जो कि इसके ऐप में आपको स्कैन करना है, जो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो अपनी वॉच को, रीबूट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। इसका मैं शट डाउन मेथड भी आपको दिखा देता हूं। तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे ऑफ ऑन ऑफ करने का भी मैकेनिज्म सेम ओरिजिनल जैसे, यहाँ पे आपको स्लाइडर बटन एक मिलता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही, एंड SOS भी इस वॉच में आपको वर्किंग मिलने वाला है। तो काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं ओरिजिनल के जो आपको वर्किंग मिल रहे हैं। एक जो मैंने इसका फीचर में
प्रॉमिस कर दिया कि इसमें आपको पासवर्ड भी वर्किंग मिल रहा है, तो आप अपनी वॉच पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो ये काफी एक यूजफुल फीचर है, अगर आपको किसी को अपनी वॉच देनी है तो आप पासवर्ड लगा के आराम से दे दो कि वो जो एप्स हैं उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें फ्लैश लाइट भी मिल रही है, आप देख सकते हो जैसे कि ओरिजिनल में आती है। तो ये काफी हैंडी हो सकती है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, छोटी सी आपको ये लाइट मिल रही है, काफी ब्राइट हो जाती है स्क्रीन। एंड अभी तो मिनिमम ब्राइटनेस पे आपको मैंने दिखाया था, मैंने ब्राइटनेस लो कर दी थी तब भी इतनी ज्यादा ब्राइट हो रही है स्क्रीन। तो ये तो वॉच की बात हो गई, अब इसे अपने फोन से कनेक्ट करके बाकी के फीचर्स भी इसके चेक कर लेते हैं। तो ये इसका ऐप आपको मिल जाएगा, आप आइकन चेक कर सकते हो, आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों पे ये मिल जाएगा। तो आप इजीली दोनों फोन्स पे, आपके पास कोई भी फोन है, इसे यूज कर सकते हो वॉच को। काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि आप हम एंड्रॉइड में ये वॉच को यूज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वाली तो चलती नहीं है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एंड्रॉइड फोन है या iOS कुछ भी है, आप आराम से इस वॉच को यूज कर सकते हो, दोनों के साथ आपकी इक्वली अच्छी तरह काम करेगी। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, आपको बस इसे ओपन कर लेना ऑब्वियसली। अगर आप वेयर फिट प्रो पहली बार यूज कर रहे हो तो आप अपना अकाउंट बना लेना और साइन इन कर लेना पहले। साइन इन करने के बाद एंड्रॉइड हो या iOS आपसे परमिशंस मांगेगा, तो आपको सभी को अलाउ कर देना है। आईफोन के केस में ये हेल्थ ऐप की परमिशंस मांगेगा, क्योंकि आपके हेल्थ रिगार्डिंग जो भी आपका डाटा ये कलेक्ट करेगा, हार्ट रेट एंड सब कुछ, वो आपके हेल्थ ऐप में सिंक होता रहेगा। तो आपको इसे अलाउ कर देना है। आप जैसे ही इसे अलाउ करोगे तो आपको नीचे चार ऑप्शंस दिखेंगे, आपको डिवाइसेस में आ जाना है सबसे पहले अपनी वॉच को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसे क्लिक कर देना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करते ही ये स्कैन करने लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HK9 Pro यहाँ पे आ गई है। तो मेरे पास काफी सारी वॉचेस पड़ी है, तो ये एक से ज्यादा शो कर रहा है, तो आपको कनेक्ट कर लेनी है आपकी वॉच जो भी होगी। और फर्स्ट टाइम पेयरिंग में ये थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, बट आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद आपका सीमलेस कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि आपकी वॉच जैसे ही रेंज में आएगी ब्लूटूथ के, आपके फोन से अपने आप कनेक्ट हो जाएगी वो। और ये हमारी वॉच कनेक्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये कुछ और परमिशन मांग रहा है जो कि आपको अगेन अलाउ कर देनी है। तो ये हमारी वॉच हमारे ऐप से कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैटरी भी शो कर रहा है, ऊपर वॉच का डिजाइन भी आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, बैटरी भी इसकी शो कर रहा है। तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐप में सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डायल्स इसके मिल जाएंगे, कस्टम वॉच फेस का मैंने आपको बताया था आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको काफी सारे यहाँ पे वॉच फेसेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप यहाँ से अपनी मर्जी के जितने चाहे उतने आप कर सकते हैं इंस्टॉल, आपको फ्री भी मिल जाते हैं एंड कुछ आपको पेड भी मिल जाते हैं जो कुछ ज्यादा अच्छे वॉच फेसेस हैं। तो यहाँ से आप अगर उन्हें बाय करना है तो आप कर सकते हैं, आपको काफी सारे फ्री भी मिल जाएंगे अगर आपको बाय नहीं करने हैं तो। और आप अपनी गैलरी में से भी कोई भी इस पे फोटो लगा भी सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसके फंक्शंस में नीचे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मार्केट मिल जाएगा, इसमें भी आपको HK8 Pro Max की तरह आप थर्ड पार्टी ये ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। आपको काफी सारे यहाँ पे ऐप्स मिल रहे हैं जो कि आपको वॉच में स्टोरेज मिलती है, इसमें भी आपको डुअल कोर प्रोसेसर आ रहा है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो उन्हें। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग्स मिल जाएंगी, आपको कौन कौन से ऐप्स की इस पे नोटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद वॉलेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बिजनेस कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, हेल्थ रिमाइंडर्स आपको मिल जाएंगे, वेदर आप यहाँ से सिंक कर सकते हो, कार्ड बैग आपको मिल जाएगा, और ये कुछ आपके ज्यादा काम का नहीं है। और उसके बाद आपको अलार्म की सेटिंग्स मिल जाएंगी, टेकिंग पिक्चर्स में आपको कैमरा कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड उसके बाद फाइंड अ ब्रेसलेट में आप अपनी वॉच को रिंग कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो वॉच हमारी रिंग होने लग जाएगी, आप अगर कहीं रख के भूल जाओ तो इसे आप ढूंढ सकते हो। ऐसे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में आप अपने स्पीड डायल वाले कॉन्टैक्ट जैसे फैमिली या फ्रेंड्स को रख सकते हो, जिन्हें कि आप सिंगल टैप में फिर क्लिक करके आप डायल कर सकते हो, बार बार आपको नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर सेटिंग्स में यहाँ पे आपको इसकी रेस टू वेक जेस्चर एंड अर्ली पॉइंट मेजरमेंट मिल जाएगा, मतलब कि हर घंटे अपने आप मेजरमेंट लेती रहेगी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स का। और उसके बाद आपको शेड्यूल मैनेजमेंट एंड ये कुछ परमिशन की सेटिंग्स, नीचे आपको फर्मवेयर अपडेट की सेटिंग्स मिल जाएंगी, आपके वॉच पे रेगुलर अपडेट्स भी आने वाले हैं जो कि ये हमारी वॉच अभी लेटेस्ट वर्जन पे चल रही है क्योंकि अभी तो नई नहीं आई है। और उसके बाद आपको फैक्ट्री रीसेट के यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी, काफी सारे मतलब आपको बेसिक से लेके अच्छे वाले फीचर्स भी इसमें मिल रहे हैं, जो आपको जरूरत पड़ने वाली है सभी फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। तो ये तो इसके ऐप की बात भी हो गई, अब अगर वॉच पे एक बार वापस आए तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी की आपको वॉच मिल रही है। सीरीज 8 में इससे बेटर मॉडल अभी तक नहीं आया एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ना ही आने वाला है, क्योंकि इसने सभी बॉक्सेस तो टिक ऑलरेडी कर दिए, तो बचा ही अब क्या है। आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हो वॉच की डिस्प्ले कितनी स्मूथ है, आपको रिफ्रेश रेट इतना अच्छा मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी लैग नहीं है वॉच में, ये देख लो कितनी ज्यादा स्मूथ है, आपको बिल्कुल मतलब फील ही नहीं होने वाला कि आप क्लोन यूज कर रहे हो। आपको इसका मेन्यू एक बार और दिखा रहा हूं, ये देख लो थोड़ा सा मैंने टैप किया एंड कितनी स्मूथ है वॉच। पुरानी वॉचेस में आपको ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा स्वाइप करना पड़ता था, तो मतलब वो फील नहीं आती थी कि आप ओरिजिनल यूज कर रहे हो। इसमें आपको वो फील रेप्लिकेटेड मिल रही है, जो कि सबसे बड़ी बात है। आपको कंप्लीट फील वैसी ही मिलने वाली कि आप ओरिजिनल यूज कर रहे हो, बाकी आपको छोटे मोटे फीचर्स इसमें मिलते ही है। आपको H2H डिस्प्ले मिल रही है, क्राउन वर्किंग मिल रहा है, पावर बटन वर्किंग मिल रहा है, आपको स्पोर्ट्स मोड सभी मिल रहे हैं, पासवर्ड मिल रहा है, गेम्स मिल रही है, आइकन पैक ओरिजिनल जैसा आपको इसमें मिल रहा है, बिल्कुल स्मूथ आपको UI मिल रहा है, सेटिंग्स ऐप बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है, आपको पासवर्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है, सब कुछ
मतलब आपको इसमें वर्किंग मिलने वाला। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया स्मार्ट वॉच है ये इसके प्राइस में। तो प्राइसिंग पे आए हैं तो आपको इसका प्राइस भी बता ही देता हूँ। तो आपको ये वॉच हमारे पास सिर्फ 3500 रुपीज में मिल जाएगी। मार्केट में सब जगह अभी ये 4000 की सेल हो रही है, बट हम आपको सिर्फ 3500 में ये दे देंगे। एंड आपको बिना गिफ्ट के तो जाने नहीं देंगे वीडियो से। तो साथ में आपको ये एक सी टाइप अडेप्टर भी हम फ्री में देंगे, क्योंकि आपको इसके साथ ये सी टाइप केबल मिल रही है। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है इसे चार्ज करने में, क्योंकि सबके पास तो सी टाइप अडेप्टर होगा नहीं। तो आपको हम ये साथ में फ्री ही दे देंगे ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। साथ में ये एक और सिलिकॉन वाला स्ट्रैप भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आपको ये दो गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो मतलब आपको कुछ भी मार्केट से एक्स्ट्रा लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वॉच ले रहे हो, साथ में डब्बे में आपको बहुत बढ़िया एक स्ट्रैप तो आ ही रहा है। साथ में आपको एक सिलिकॉन स्ट्रैप फ्री देंगे। आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हो, काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। एंड चार्जिंग में दिक्कत ना आए तो आपको सी टाइप वाला अडैप्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एंड ये भी ऐसा नहीं है कि सस्ता सा अडैप्टर, आप देख सकते हो सेम एप्पल जैसा अडैप्टर आपको मिल रहा है, जो कि हम अलग से 600 का सेल करते हैं। तो आपको 800-900 के तो गिफ्ट्स ही साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एंड हमारे पास आपको कलर ऑप्शंस 3 मिल जाएंगे इस वॉच में। ये ग्रीन वाला तो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में ही दिखाया, काफी अच्छा कलर है ये भी। एंड जिनको कुछ फंकी से कलर्स नहीं चाहिए, एक सटल सा कलर चाहिए, उनके लिए ब्लैक तो है ही है, ये सेकंड कलर है। एंड थर्ड आपको रेड कलर भी हमारे पास मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हो, तीनों अवेलेबल है, प्राइसिंग तीनों की सेम ही रहेगी। मैं प्राइस आपके लिए फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3500 में आपको वॉच मिल जाएगी, साथ में अडैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एंड स्ट्रैप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में तीनों चीजें 3500 रुपीज में। इसका कलर आप अपनी मर्जी का ले सकते हो, वॉच में भी 3 कलर्स अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी का ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, प्रीपेड सीओडी है, तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस करो। एंड अगर आप हमारे प्रोडक्ट के रेगुलर अपडेट्स में इंटरेस्टेड हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंस्टा एंड व्हाट्सएप दोनों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर प्लेस करवा दो। आई होप वीडियो तो आपको अच्छी लगी ही होगी। तो नीचे नंबर आ रहा है, जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर प्लेस करवा दो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की वॉच है, कलर्स तीनों अवेलेबल जो थे मैंने आपको दिखा दिए, बेस्ट ऑफर आपको दे रहे हैं एकदम। तो जल्दी से नीचे नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट करो, अपने ऑर्डर प्लेस करवाओ। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, प्रीपेड सीओडी दोनों अवेलेबल है। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।